ब्रेस्ट कैंसर से जागरूकता के लिए गुलमोहर संस्था के द्वारा आगामी 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर पिंक परेड का आयोजन किया जाएगा। संयोजक मंजू सिन्हा ने बताया कि महिलाओं के बीच अभी भी जागरूकता की कमी है और इसे दूर करने के लिए पिंक परेड किया जाएगा जिससे संदेश प्रसारित हो सके। Powered by Mamzi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. ये जो प्रेस वार्ता है आप लोगों के साथ, ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि वर्ल्ड कैंसर डे पे जो हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना और आपसे सहयोग लेना, क्योंकि हमारी बातें आपके थ्रू पूरे बिहार तक जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक स्टेप है अवेयरनेस का, कि जब आप कुछ लिखते हैं तो लोग उसको पढ़ते हैं। हम तो सिर्फ यही बोलते हैं, आपकी कलम बहुत दूर तक जाती है। फैब को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, बट हमारा जो परेड है वो हमेशा संडे इसलिए होता है क्योंकि ये ओपन में होता है, तो परमिशंस का भी प्रॉब्लम होता है वर्किंग डे में, तो ये हम लोग हमेशा संडे को ही करते हैं, 4th और 5th के पहले जो भी संडे आए। और इसमें हर तरीके के लोग होते हैं, चाहे वो कंपनी के लोग होते हैं, क्लब्स मेंबर होते हैं, NCC के कैडेट्स होते हैं, NSS होता है, और मतलब कोई भी आ सकता है। बट इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको पहले अपनी पूरी जानकारी देनी होती है कि हमारे साइड से उनको परमिशन मिलता है, तभी वो उस परेड का हिस्सा बनते हैं। और इसमें NCC के मेजर जनरल भी आ रहे हैं हमारे परेड को, मतलब जब आप परेड करते हैं ऑब्वियस है कि आपके पास सलामी देने के लिए मंच पे कोई मौजूद हो। शिक्षा मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि हैं और पद्मश्री सुधा वर्गीस जी भी यहाँ उस मौके पर उपस्थित रहे। ऐसी ही खबरों के लिए करें SAY24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।